हेलो एवरी वन वेलकम बैक आई एम आशी सो इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक टाइप्स ऑफ इको सिस्टम जिसमें आज की वीडियो में हम एक्वटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे सो so स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ इको सिस्टम सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इको सिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लाइमेट हैबिटेट्स एंड लाइफ फॉर्म अलग अलग टाइप के इको सिस्टम पाए जाते हैं किसके बेसिस पे डिफरेंट क्लाइमेट के बेसिस पे हैबिटेट एंड लाइफ फॉर्म के बेसिस पे जिनमें से दो टाइप के इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं जो हैं हैंक्वटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सो so, आज की वीडियो में हम एक्वटिक इको सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो एक्वटिक इकोसिस्टम रिफर्स टू ऑल सच इकोसिस्टम्स दैट आर प्राइमरीली लोकेटेड ऑन और इनसाइड वाटर बॉडीज एक्वटिक इकोसिस्टम्स कौन से हैं वो सारे इकोसिस्टम जो कि लोकेटेड हैं कहाँ पे इनसाइड वाटर बॉडीज जो कि पानी के अंदर लोकेटेड है वो सारे इकोसिस्टम कौन से होंगे एक्वटिक इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म इन दीज इकोसिस्टम इंटरेक्ट विथ अदर ऑर्गेनिज्म इन एक्वटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो ऑर्गेनिज्म हैं इस इकोसिस्टम में वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ अदर ऑर्गेनिज्म के साथ इन एक्वटिक में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक्टिक इकोसिस्टम मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है कौन कौन सी फ्रेश वाटर इको एंड मरीन इको सो फ्रेश वाटर इको ये क्या है द फ्रेश वाटर इको सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ इको सिस्टम एमंग द मेजर टाइप ऑफ इको जो फ्रेश वाटर इको सिस्टम है वो सबसे छोटा टाइप है इको सिस्टम का बाकी के इको सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इको सिस्टम के ठीक है और दिस इको सिस्टम इज़ अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है वो हमें फ्रेश वाटर इको सिस्टम से ही मिलता है एडिशनली इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एनर्जी एंड वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिक्रिएशन इटी सी फ्रेश वाटर इको सिस्टम कौन सा होगा जिसमें कि सॉल्ट uh, नहीं होगा जो कि पानी पीने के लिए यूज़ हो सकता है ऐसा वाटर फ्रेश वाटर इको सिस्टम में मिलेगा ठीक है फ्रेश वाटर इको सिस्टम मेनली इंक्लूड क्या क्या लेंटिक लोटिक एंड वेटलैंड्स ये कुछ फ्रेश वाटर इको में इंक्लूड हैं ये कुछ उसके टाइप्स हैं। लोटिक इकोसिस्टम लोटिक इकोसिस्टम आर द सिस्टम विथ रैपिड फ्लोइंग वाटर दैट मूव इन अ यूनी डायरेक्शनल वे सच एज रिवर्स एंड स्ट्रीम। लोटिक इकोसिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है रिवर्स और इस्ट्रीम्स ठीक है फ्लोइंग जो कि तेजी से जो वाटर फ्लो करता है किस डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल तो वो किस में आ जाएंगे लोटिक इकोसिस्टम में जैसे कि इंक्लूड रिवर स्ट्रीम्स स्प्रिंग वाटर एंड अदर हैबिटेट विथ द विथ अ कॉन्सटेंट फ्लो ऑफ वाटर जिसका फ़्लो कैसा हो कॉन्सटेंट हो ठीक है जैसे रिवर्स हैं वो हमेशा ही बहती चली जाती हैं ठीक है ठीके? वो रुकती तो है नहीं है और वाटर हैं जो हमेशा बहते हैं स्ट्रीम्स हैं जिनका बहाव हमेशा रहता है कॉन्सटेंट रहता है फ्लो वो किस में आ जाएंगे लोटिक इकोसिस्टम में ठीक है दीज इन्वामेंट हार्बर न्यूमेरस स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एज मे फ्लाइज स्टोन फ्लाइज एंड बीटलेस ये सब कुछ इंसेक्ट्स हैं स्पीसीज हैं इंसेक्ट्स की जो कि इस इन्वायमेंट में हमें देखने को मिलेंगी मे फ्लाइज स्टोन फ्लाइज और बीटलेस सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस, मछलियों की कई प्रकार की स्पीसीज हमें देखने को मिलेंगी लोटक इकोसिस्टम uh, में जो कि कौन कौन सी हैं ईल ट्रॉट मिनो आर फाउंड हेयर ओके वेरियस मेमल्स मैमल्स भी हमें देखने को मिलेंगे सच एज वीवर्स ओटर्स रिवर डोल्फिन इनहेबिट लोटिक इको सिस्टम ठीक है कौन कौन से मेमल्स देखने को मिलेंगे वीवर्स ओटर्स और रिवर डोल्फिन इस इकोसिस्टम में हमें देखने मिलेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है रिवर्स और स्ट्रीम्स सेकेंड है लेंटिक इको सिस्टम अब इसमें क्या होगा लेंटिक इको सिस्टम इंक्लूड ऑल स्टैंडिंग वाटर हैविटेट सचेज लेक्स एंड पॉन्ड्स लोटिक में क्या था उसमें वाटर फ्लो हो रहा था कंटिन्यू मतलब कॉन्स्टेंट वाटर का फ्लो मतलब बहाव जैसे कि नदियाँ और वाटरफॉल्स और लेंटिक में क्या होगा फ्लो नहीं होगा वाटर का ठीक है स्टैंडिंग वाटर होगा मतलब कि एक जैसे कि तालाब लेक उसका पानी कैसा रहता है स्थिर रहेगा तो वो किस में आ जाएंगे लेंटिक इको में दीज इको सिस्टम्स आर होम टू एल्गी रूटेड फ्लोटिंग लीव्स प्लांट एंड इनवर्टिब्रेट सच्चे स्क्रैप्स एंड श्रिम्प ये इकोसिस्टम किस का घर है एल्गी का रूटेड फ्लोटिंग लीव्स प्लांट का जो कि प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं जैसे कि लोटस ये ऐसे प्लांट्स जो कि लेक्स में पॉइंट्स में ऊपर की ओर जो फ्लोट करेंगे ऐसे प्लांट्स आ जाएंगे किसमें लेंटिक इको सिस्टम में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं कौन कौन से क्रैप्स एंड श्रिम्स और कुछ एम्फीबियंस हैं जो कि इसमें हमें देखने को मिलेंगे कौन कौन से फ्रॉक्स रेप्टाइल लाइक -like, एलिगेटर्स वाटर स्नेक्स एंड दे आर ऑल्सो फाउंडेयर ओके जिसका पानी स्थिर रहेगा फ्लो नहीं करेगा वो होंगे लेंटिक इकोसिस्टम और जिसका पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा वो होंगे लोटिक इकोसिस्टम सिस्टम एंड वेटलैंड्स वेट, लेंड्स. वेट लेंड्स आर मार्शली एरिया एंड आर समाइम कवर्ड इन वाटर विच है वाइड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेटलैंड्स एक ऐसा एरिया है जो कि वाटर से कवर्ड होता है थोड़ा थोड़ा ठीक है मतलब वेटी एरिया आप समझ लीजिए जहाँ पर दलदल टाइप का होगा या फिर कम वाटर uh, होगा वो कैसे होंगे वेटलैंड्स होंगे ठीक है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायवर्सिटी पाई जाएगी किसकी प्लांट्स की और एनिमल की ओके स्वाम्स मार्शे एंड बॉक्स आर सम एग्जाम्पल इन दी इन दिस रिगार्ड्स ठीक है इसके क्या क्या एग्ज़ाम्पल हैं स्वाम्स मार्शेस एंड बोक्स इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि ये एरिया ये कैसा एरिया है वेटी एरिया है इसमें ज़्यादा डीप इसकी गहराई नहीं होगी पानी की थोड़ी आ, पानी रहेगा ये किसमें आएंगे वेटलैंड्स में स्वाम्स और वेटलैंड्स में और कुछ प्लांट्स पाए जाएंगे कौन कौन से ब्लैक स्प्रूट और वाटर लिलीज इसमें पाए जाएंगे कॉमनली वेटलैंड्स में द फोना कंसिस्ट ऑफ ड्रैगन फ्लाइज डैम्स फ्लाई वर्ड सच एज ग्रीन हेरोन फिशज सच एज नॉर्दर्न ये कुछ फोना पाए जाएंगे ठीक है कौन कौन से ड्रैगन फ्लाइज डेम्स फ्लाई बर्ड पाई जाएंगी कौन कौन सी ग्रीन ग्रीन हेरोन फिशज सच एज नॉर्दर्न पीक ठीक है सो so ये कुछ वेटलैंड्स uh, में हमें देखने को मिलेगा अब सेकेंड है मरीन इको वो सब कैसे थे फ्रेश इको जिसका पानी हम पी सकते हैं जिसमें सॉल्ट सौ, का जो कंटेंट है वो बहुत ही कम रहेगा ठीक है रहेगा ही नहीं फ्रेश वाटर में और मरीन इकोसिस्टम कौन से होंगे जिसमें सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंस होगा ज़्यादा होगा तो मरीन इकोसिस्टम आर यूजअली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट कंटेंट इसमें क्या होगा सॉल्ट कंटेंट नमक की मात्रा प्रेजेंस होगी ज़्यादा होगी ठीक है सॉल्टी वाटर होगा खारा पानी दीज इकोसिस्टम अ हायर सॉल्ट कंटेंट दैन द फ्रेश वाटर इको सिस्टम फ्रेश वाटर में हमें सॉल्ट कंटेंट नहीं मिलेगा वहाँ वहाँ का पानी कैसा होगा फ्रेश होगा खारा नहीं होगा और मरीन इको सिस्टम का खारा पानी होगा मोर ओवर दे आर नोन एज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ इको सिस्टम ऑन अर्थ ये सबसे बड़ा इको सिस्टम माना जाता है अर्थ पे, ठीक है मरीन इकोसिस्टम एकटिक इकोसिस्टम में जो मरीन इको सिस्टम है वो सबसे लार्जेस्ट इको सिस्टम है क्योंकि इसमें ओशियंस भी इंक्लूड होंगे ठीक है खारा पानी रहेगा पूरा ओशन का जो एरिया है वो पूरा इसमें इंक्लूड होगा बिसाइड्स मरीन इकोसिस्टम हैव आ डिस्टिंगटिव फ्लोरा एंड फ़ोना मरीन इकोसिस्टम में हमें बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा फोना देखने को मिलेंगी प्लांट्स और एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कि सपोर्ट करती हैं ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी को देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के कंपैरिजन में यहाँ हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी फ्लोरा और फोना की दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर वोथ मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायमेंट ये इस टाइप का जो इको सिस्टम है वो अशेंशियल है किसके लिए दोनों के लिए मरीन और टेरेस्ट्रियल इन्वामेंट के लिए इन पर्टिकुलर इन दिस इको सिस्टम इंक्लूड कौन कौन से इसमें इको सिस्टम इंक्लूड होंगे ओपन मरीन इकोसिस्टम सी कोरल रीप्स एस्चूरीज मैनग्रोव्स एंड सॉल्ट वाटर वेटलैंड ये कुछ इको हैं जो कि मरीन इको में इंक्लूड हैं फर्स्ट है ओपन मरीन इको ये क्या है दिस ओपन वाटर सरफेस इज़ नोन एज द मरीन इको मान लीजिए जो ओशियन का वाटर है सबसे जो ऊपर पाया जाएगा पानी वो किस में आएगा ओपन मरीन इको में दिस इज़ द अपर लेयर ऑफ ओशियन ये कौन सी है अपर लेयर ओशियन की ठीक है समुद्र की जो पहली लेयर है पानी की जो हमें दिखती है ठीक है वो कौन सी होगी ओपन मरीन इको सिस्टम जहाँ पर सन रे डायरेक्टली पहुँचेंगी सूर्य की किरणें जहाँ पर डायरेक्टली पहुँचेंगी फर्स्ट लेयर में अपर लेयर में वो ओपन मरीन इकोसिस्टम होगा दी ओपन मरीन इको सिस्टम एक्सटेंड अप टू वन फिफ्टी मीटर्स फ्रॉम द ओशियन सरफेस ओशियन समुद्र के सरफेस से एक सौ पचास मीटर तक ये इकोसिस्टम एक्सटेंड होगा ठीक है फैला हुआ होगा द ओपन मरीन इको सिस्टम प्रोवाइड हैबिटाट टू वेरियस सी क्रिएचर सचस प्लंगटोंस एलगी वेल्स जेलीफिस ई टी सी ओपन मरीन सिस्टम घर प्रोवाइड करता है हैबिटार प्रोवाइड करता है किसको अलग अलग जो समुद्र के क्रिएचर्स हैं उनको ठीक है जैसे कि प्लगटोन्स ये एक तरह के समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं ठीक है एलगी वेल जेलीफिश ये सब ओपन मरीन सिस्टम में हमें देखने को मिलेंगी नेक्स्ट है डीप सी मरीन इको सिस्टम के तो जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है डीप सी मरीन इकोसिसटम जो गहराई पे होगा समुद्र के वो कौन सा इकोसिस्टम होगा डीप सी मरीन इकोसिसटम द इकोसिस्टम डीप इनसाइड द ओशियन एट इट्स फ्लोर इज नोन एज डीप सी मरीन इको ठीक है जो ओशियन के फ्लोर पे होगा सबसे नीचे गहराई में डीप में होगा वो होगा डीप सी मरीन इको सिस्टम डीप सी मरीन इकोसिस्टम इन्ेबिटिंग वेरियस एनिमल स्पीसीज इन इन दी बेड अप टू वन थाउजेंड मीटर डीप्ड डेप्थ अंडर वाटर इस इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार की स्पीसीज पाई जाएंगी एनिमल्स की ठीक है जो कि वन थाउजेंड मीटर गहराई पे होगा वाटर में अंडर वाटर में ठीक है कितना एक हज़ार मीटर गहराई पे होगा जो सनलाइट इज़ वन ऑफ द बिग चैलेंज टू पेनीट्रेट एट द सी फ्लोर अब इतने नीचे सनलाइट जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ठीक है हावेवर द स्पीसीज हैव अडेप्ट मरीन एन्वामेंट ऑफ दिस रीजन अ ह्यूज रेंज ऑफ एनिमल स्पीसीज इन फाउंड इन डीप मरीन इकोसिस्टम बहुत ही बड़ी रेंज में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज हमें देखने को मिलेंगी एनिमल्स की इस इकोसिस्टम में एज कौन कौन सी स्क्वाइड फिशेज एलिफेंट सीज स्पमेल म्स सम शार्क कोरल रीफ मरीन इकोसिस्टम क्या है कोरल रीफ्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मरीन इकोसिस्टम फाउंड इन द स सी फ्लोर ये कैसा है एक स्पेशल टाइप का मरीन इकोसिस्टम है कैसे दिस इकोसिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर एंड इज क्वाइट आ प्रोडक्टिव इको सिस्टम फाउंड ऑन द अर्थ ठीक है ये इको सिस्टम कहाँ पर मोस्टली हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल वाटर में कोरल रीफ्स आर द स्केलेटन मेड अप ऑफ लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट कोरल रीफ्स क्या है स्केलेटन टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि किससे बना हुआ है लाइम स्टोन से कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनता है ठीक है जो कि समुद्र में जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले इस टाइप का जो स्ट्रक्चर देखने को मिले ये किससे बने हैं लाइम कैल्शियम कार्बोनेट से ये जब स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर जब देखने को मिलेगा वो क्या होगा कोरल रीफ्स द कोरल रीफ्स इकोसिस्टम प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ऑलमोस्ट वन फोर्थ ऑफ मरीन वाटर स्पीसीज एक चौथाई जो वाटर में स्पीसीज हैं उनको ये फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है ये इको सिस्टम कोरल रीफ अट्रैक्ट एग्जॉटिक कलर फिशेज लाइक स्पॉन्जेज स्नेल्स सी हॉर्सेज समटाइम लार्ज एनिमल लाइक शार्क एंड डाल्फिन ये जो इकोसिस्टम है वो अट्रैक्ट करेगा किस किस को कलर फिशेज लाइक कौन कौन सी स्पॉन्जीज स्नेल्स सी हॉर्सेस और जो बड़े एनिमल्स हैं वाटर में जो पाए जाएंगे कौन कौन से शार्क और डालफिन ठीक है यहाँ पर ये सब हमें देखने को मिलेंगी नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर वेट लैंड मरीन इकोसिस्टम सॉल्ट वाटर मतलब खारा पानी का जो वेट लैंड होंगे वो इस मरीन इकोसिस्टम में सॉल्ट वाटर वेटलैंड मरीन इको सिस्टम में हमें देखने को मिलेंगे ठीक है जैसे कि द कोस्टल एरिया ऑफ ओशन एंड सीज आर नोन एज सॉल्ट वाटर वेटलैंड इको सिस्टम जो समुद्र का किन किनारा होता है जो खारे पानी का कोस्टल एरिया ठीक है दिस इको सिस्टम इज अगेन क्लासीफाई इंटू टू टाइप्स ये भी दो टाइप्स में हमें देखने को मिलेंगे कौन कौन से सॉल्ट वाटर स्वम्प्स एंड सॉल्ट मार्शेस ओके अब सॉल्ट वाटर स्वम्प्स क्या हैं आर रीजन डोमिनेट विथ ट्रीज वे आर एज सॉल्ट मार्शेज आर कवर्ड विथ ग्रासेस जो सॉल्ट वाटर स्वम्प्स होंगे वो ट्रीज से बड़े बड़े पेड़ों से घिरे हुए होंगे ठीक है जो दलदली एरिया होगा जहाँ पे पेड़ देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे सॉल्ट वाटर स्वम्प्स होंगे जहाँ का पानी खारा होगा और सॉल्ट मार्शस कैसे होंगे जो कि कवर्ड uh, होंगे ग्रासेस से मतलब इस टाइप की घास से जो एरिया कवर होगा वेटी एरिया खारे पानी का वो होगा सॉल्ट मार्सेज कॉमनली फाउंड वाटर स्पीसीज ऑफ सॉल्ट वाटर वेटलैंड एकोसिस्टम आर एम्फीवियंस रेप्टाइल्स यहाँ पे जो हमें स्पीसीज देखने को मिलेंगी वो कौन कौन सी होंगी एम्फीवियंस रेप्टाइल्स सम माइग्रेटरी वर्ड्स शेल फिशेज और फ्यू फिशेस ठीक है कौन कौन सी स्पीसीज एम्फीवियंस रेप्टाइल और जो वर्ड हैं माइग्रेटरी वर्ड जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के आती हैं वो कुछ पंछी और फिश नेक्स्ट है एश्चुरी मरीन इकोसिस्टम ये क्या है द एरिया अराउंड द रिवर माउथ वेयर इट मर्ज विथ मरीन वाटर इज़ यूजली टर्म एज आ एश्चुरी मरीन इकोसिस्टम। वो एरिया रिवर के माउथ का जो कि मरीन वाटर के साथ मिल जाता है ठीक है जैसे कि देखिए ये एक रिवर यहाँ से फ्लो हो के आई ठीक है तो ये क्या है अपर एश्चुरी ये ओशियन से मिल जाएगी यहाँ से और यहाँ से इतना एरिया क्या कहलाएगा एश्चुरी ठीक है ठीक है सो जहाँ पे ओशियन और रिवर दोनों आके मिलेंगी वो एरिया कैसा होगा एश्चुरी ठीक है द सेलिनिटी इन दिस इकोसिस्टम वेरी विद द टाइट्स द एस्चुरी इकोसिस्टम डज नॉट सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ स्पीसीज यहाँ पे ज़्यादा वेराइटी स्पीसीज़ की देखने को नहीं मिलेंगी एश्चुरी इको में मोस्टली द स्पीसीज ऑफ नेबरिंग इको सिस्टम आर फाउंड इन दी एश्चुरी मरीन इकोसिस्टम यहाँ पर मोस्टली जो नेबरिंग इको सिस्टम होगा जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिसटम यहाँ पे जैसे कि फॉरेस्ट है यहाँ पर जो स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी वही स्पीसीज़ हमें एश्चुरी में फ़ाउंड होंगी दिस इको सिस्टम ऑल्सो प्ले एन एसेंशियल रोल इन नर्सरी फॉर वेरियस काइंड ऑफ फिशेज स्विम्स ई टी सी यहाँ पे अलग अलग टाइप की फिशेज और स्विम्स देखने को मिलेंगी क्यों? ये ओशियन है समुद्र और यहाँ से क्या है ये रिवर आ रही है तो ये क्या बन गई एक एश्चरी नेक्स्ट है मैनग्रोव मरीन इकोसिस्टम इन सम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन आ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट वाटर स्वम्स इज फाउंड जिसको कि मैनग्रोव्स मरीन इको सिस्टम हम कहेंगे ठीक है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन में जैसे कि कोई फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो वहाँ का जो कोस्टल एरिया होगा जहाँ पे पानी देखने को मिलेगा कैसा पानी खारा पानी सॉल्ट वाटर स्वाम्प्स देखने को मिलेंगे वो एरिया कौन सा होगा मैनग्रोव मरीन इकोसिस्टम विच मैनग्रोव स्वाम्प्स आर होम फॉर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज दैट कैन सर्वाइव इन द सलाइन इको सिस्टम मैनग्रोव स्वाम्प्स क्या हैं एक स्पेशल टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं जो कि सिर्फ सलाइन इकोसिस्टम में मतलब सरवाइव कर सकते हैं खारे पानी में ही जो सरवाइव कर सकते हैं दीज मैनग्रोव आर कैरेक्टराइज बाय स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन टू सरवाइव ये मैनग्रोव्स हैं जो एक स्पेशल टाइप की उनकी जड़ें होती हैं जिससे वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए ठीक है जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है ये रूट्स हैं इससे वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे और सर्वाइव करेंगे ठीक है द रूट आर एक्सटेंडेड अब वाटर सरफेस जैसे कि जो इनकी जड़ें हैं वो वाटर के सरफेस तक फैली हुई दिखेंगी फैली रहेंगी मैनग्रोव इकोसिस्टम प्रोवाइड सेल्टर टू वेरियस स्पीसीज सच एज एसरिम्स जेलीफिश वर्ड स्पोंजिज क्रैप्स फिश एंड क्रोकोडाइल्स जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है वो सेल्टर प्रोवाइड करता है अलग अलग स्पीसीज़ को ठीक है जहाँ का पानी कैसा होगा सॉल्टी वाटर होगा सलाइन वाटर होगा और वहाँ पे स्पेशल uh, टाइप के ट्री हमें देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ इसी पानी में सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है so, सो ऐसा एरिया कौन सा होगा मैनग्रोव मरीन इको सिस्टम तो आज की वीडियो में हमने देखा एकोटिक इकोसिस्टम और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम जो कि टाइप्स ऑफ इको सिस्टम है So thank you so much for listening so peacefully. Have a nice day.